चुनाव के समय में उनके पास गए, संतों के अपने प्रभाव रहते हैं, उनके तपस्या के कारण उनके अनुयायी रहते हैं, बड़े प्रभावशाली लोग रहते हैं। तो चुनाव के समय एक सज्जन उनके यहाँ गए कि हमको जरा टिकट मिल जाए, आप सिफारिश करें। तो उन्होंने कहा भाई हम इस पचड़े में नहीं पड़ते। नहीं नहीं हम जानते हैं वो चार लोग हैं आपके बड़े, आपका कहना वो नहीं डालेंगे। तो उन्होंने कहा क्यों लेकिन आप क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, अच्छे भले अपने घर गृहस्थी चला रहे हो, इस झंझट में क्यों पड़ते हो। तो कहा देखिए समाज की सेवा का अवसर चाहता हूं। तो बोले अवसर तो करो ना, तुमको किसने रोका है। तो बोले नहीं, सत्ता में आने के बाद साधन संपन्न हो जाते। तो उन्होंने कहा ठीक है मेरा प्रभाव है, मानते हो। हाँ मानता हूं। तो ठीक है मैं तुमको एक पत्र लिख के देता हूं कि ये सज्जन है वो मेरी आज्ञा से सेवा कर रहे, इनको सेवा करने देना और सेवा में इनकी सब प्रकार की सहायता करना। तो तुमको राजनीति में जाने की जरूरत नहीं, मेरा एक कागज तेरे पास रहेगा तो तू सेवा कर, तुझे कोई रोकेगा नहीं, उल्टा सब लोग सहायता करेंगे, इतना मेरा प्रभाव है, मैं अभी लिख के देता हूं। तो उसने कहा कि महाराज मैं विचार करके बताता हूं, और फिर से वो आया ही नहीं उनके पास। अब यह सेवा कोई सेवा थोड़ी होती है, सेवा मनुष्य के मन से निकलती है, वो मनुष्य है इसलिए उसमें संवेदना है, और उस संवेदना के चलते ये भी काम देखिए संवेदना के चलते ही हुए। और उस संवेदना में सामने वाले को जिसके हम सेवा कर रहे हैं उसको हम समझते हैं,